देश में पैदा हुए बैंकिंग संकट और दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर मची उथल पुथल से शेयर बाजार सोमवार को औंधे मुंह गिर गया। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में जहां 1941 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं निफ्टी 538 अंक नीचे गिर गया। एक अनुमान के मुताबिक सोमवार को दर्ज हुई गिरावट से निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए। पहले पीएमसी और अब यस बैंक में सामने आई गड़बड़ियों से बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा डिगा है। साथ ही दुनिया में 100 से ज्यादा मुल्कों में पहुंच चुके कोरोना वायरस से आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई हैं। इन्हीं वजहों से सोमवार को सेंसेक्स 2300 अंक तक लुढ़क गया। बाद में थोड़ा संभल 1941 पॉइंट की गिरावट के साथ 35634 पर बंद हुआ, यानी 5.17% की बड़ी गिरावट। यही हाल निफ्टी का था, जहां 538 पॉइंट की गिरावट दर्ज हुई और वो 10,451 पर बंद हुआ, यानी 4.90% की गिरावट। एक अनुमान के मुताबिक सोमवार को बाजारों में दर्ज हुई गिरावट से निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कोरोना वायरस के चलते पिछले कई दिनों से भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार गोते खा रहे हैं और इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात भारत की करें तो सोमवार को एक बार फिर सुबह बाजार खुलते ही शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। जानकारों की माने तो शेयर बाजार में ये गिरावट कोरोना वायरस के अंतर्राष्ट्रीय असर, यस बैंक के फेल होने और कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट के चलते हुई है। ONGC के शेयर 16% तक लुढ़क कर अपने 15 साल पुराने लेवल पर आ गए। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी के शेयर 12% तक नीचे चले गए। बता दें, दुनिया में तेल के दाम 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने से तेल की खपत कम होगी। इसके अलावा सोमवार को बैंकिंग, FMCG और ऑटो शेयर में गिरावट देखी गई। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।